तो पृथ्वी में पढ़ लिए थे हमने, तो वास्तविक पृथ्वी में कब बनता है? हाँ तो ध्यान रखना है, वास्तविक पृथ्वी में, जैसे वास्तविक पृथ्वी में हमेशा अवतल दर्पण में बनता है और उत्तल में बनता है आभासी। जैसे जैसे ये मान लीजिए हमारा अवतल दर्पण है, ये उसका मुख्य अक्ष है, ये हमारा यहाँ पर क्या है, सी है, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कोई वस्तु रखी है, तो ये वस्तु जब समांतर आपतित किरणें होती हैं तो इससे टकराने के बाद में क्या करती हैं, आपस में एक जिस बिंदु पर मिलती हैं उसको क्या बोलते हैं, हम फोकस बोलते हैं। हाँ तो क्या होता है इस दर्पण में ना, प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, ये वास्तविक बनेगा इसमें, ठीक है, और हमेशा उल्टा होगा। कैसा होगा? उल्टा होगा और वस्तु से बड़ा बनता है, ठीक है। वास्तविक इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक दूसरे में हमको काटती हुई दिखाई देती हैं, बिल्कुल अपवर्तन के बाद, परावर्तन के बाद में एक दूसरे को काट देती हैं, ये क्रॉस हो जाती हैं, इसलिए इसको बोल रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। और अगर ये काटता हुआ प्रतीत होता है तो उसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। इसमें कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए ये है, तो इसमें क्या होगा, इसमें इस साइड बनेगा, वस्तु के पीछे बनता है प्रतिबिंब। जैसे वस्तु यहाँ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, बनेगा इसमें, प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर, ये काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? काल्पनिक, काटता हुआ प्रतीत होता है हमको, ये रियल नहीं बनता, रियल इमेज नहीं बनती, वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, इस प्रकार जो प्राप्त होगा प्रतिबिंब उसको आभासी, इस वाले के आभासी प्रतिबिंब, और इसको वास्तविक बोलेंगे, ठीक है। आभासी किससे बनेगा? उत्तल दर्पण से, वास्तविक किससे बनेगा? अवतल से, ठीक है, अवतल दर्पण। क्लियर है ये? तो क्लियर है ना, आगे चले बोलो। चलिए आगे, हमारा अगला है टॉपिक, इसमें दर्पण के नियम है। इस दर्पण के नियम है उनको देख लेते हैं, ठीक है। तो दर्पण के मुख्य रूप से तीन नियम है। पहला नियम है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये आपको याद रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मान लीजिए हमारा दर्पण है, ठीक है, तो ये अवतल दर्पण है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण है। मान लीजिए ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, आपतित हो रही है, ठीक है। तो ये क्या होगा, परावर्तन के बाद में फोकस से होकर गुजरेंगी, ये इसको हम फोकस बोल रहे हैं, ये एफ से डिनोट कर रहे हैं, एफ, तो हमेशा फोकस से होकर गुजरती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होंगी जो किरणें, वो परावर्तन के बाद में कहाँ से होकर गुजरेंगी, फोकस से होकर गुजरेंगी, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा नियम है वक्रता केंद्र, मतलब सी से होकर दर्पण पर आपतित होने वाली किरणें परावर्तन के बाद अपने मार्ग को दोहराते हुए वापस लौट जाती हैं। इसमें क्या होगा, तो इसके लिए जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है दर्पण का, ठीक है, ये वक्रता केंद्र सी है, ठीक है,
वक्रताकेंद्र सी है ये, तो वक्रता केंद्र सी से अगर कोई किरण जाएगी, आपतित हो रही है मान लीजिए, तो ये परावर्तन के बाद क्या होगी, जहां से आ रही थी ना, जैसे यहां से आ रही थी तो वो वहीं पर रिटर्न हो जाएगी, ठीक है, परावर्तन के बाद। क्लियर, कहां से होकर आना चाहिए, लेकिन उसको वक्रता केंद्र सी से होकर आना चाहिए, तो वो परावर्तन के बाद जहां से आई थी वहीं पर रिटर्न हो जाती है। दूसरा ये हो गया दर्पण में। तीसरा दर्पण का नियम है कि यदि फोकस से होकर आपतित होने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ये जस्ट पहले वाले का उल्टा है, ठीक है। पहले वाले में क्या हो रहा था, समांतर आ रही थी तो फोकस से होकर गुजर रही थी, अब इसमें फोकस से होकर आएगी तो कहाँ हो जाएगी, वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्लियर है, जैसे मान लीजिए ये दर्पण है, तो ये मुख्य अक्ष है और ये रहा इसका फोकस, ये फोकस एफ है, तो मान लीजिए एफ से होकर आएगी ये किरण, ठीक है, तो परावर्तन के बाद क्या होगा, ये किरण कहाँ चली जाएगी, परावर्तन मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक है, ये ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे, इसमें एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चार्ट है, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है। तो हमारा टॉपिक है अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो जितने भी अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं उनको हम देखेंगे, उनकी प्रतिबिंब की स्थिति देखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति और प्रतिबिंब का विस्तार भी देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक है अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। पहली कंडीशन उसमें देख रहे हैं हम, तो पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि यदि वस्तु की स्थिति कहां पर हो, अनंत पर हो, तो वस्तु कहां पर है, जैसे मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है, एक मिनट, ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, इसको सीधा कर लेना, एक मिनट, नहीं रहा सीधा, ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा क्या है, सी है, और यहाँ पर मान लीजिए हमने वस्तु को रख दिया, ये अनंत है, मान लीजिए क्या है, अनंत, तो अनंत पर हमने किसी वस्तु को रख दिया, मान लीजिए कोई वस्तु रख दी हमने अनंत पर, तो जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, ये कुछ आने के बाद में यहाँ पर फोकस पे आके जो है प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। तो ध्यान रखना, अवतल दर्पण में यदि वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है, ठीक है। अब देखना फोकस पर बनेगा तो कैसा बनेगा, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, प्रकृति वास्तविक बनेगा। देखिए जितने भी दर्पण के आगे जो प्रतिबिंब बनते हैं वो सबके सब कैसे होते हैं, वास्तविक होते हैं, ठीक है, और प्रतिबिंब की आकृति कैसी होगी, उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा, ठीक है। और प्रतिबिंब का विस्तार बिंदु सदृश होगा, बिंदु के आकार का बनेगा, कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का, ठीक है, मतलब कि बहुत छोटा बनेगा, यहाँ पे बहुत छोटा बनेगा, ठीक है, क्लियर। अगला है
और वक्रता केंद्र के बीच अगर रख दें वस्तु को, तो देखिए उस तब देख लेते हैं दूसरा। ये अनंत है, ठीक है, और ये वक्रता केंद्र सी है। इन दोनों के बीच में वस्तु को रख देंगे तब कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? प्रतिबिंब बनता है फोकस और सी के बीच में। मान लीजिए ये फोकस है तो प्रतिबिंब कुछ यूं बनेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब ये एफ और सी के मध्य है। ये देखो एफ और सी के मध्य है, और वस्तु से कैसा होगा? छोटा होगा, छोटा होगा। उसमें बिंदु के आकार का था, उसमें बहुत छोटा था, तो जैसे जैसे वस्तु दूर होती है ना तो प्रतिबिंब छोटा बनता है, जैसे जैसे वस्तु को हम पास लाते जाते हैं तो प्रतिबिंब बढ़ता जाता है। तो इस कंडीशन में दूसरी वाली में वस्तु से छोटा होगा, ठीक है, अगर हम वस्तु में। और तीसरी कंडीशन है वक्रता केंद्र पर। मान लीजिए इस वस्तु को उठा के हम यहाँ ले आते हैं, इसी पे रख देते हैं यहाँ पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा? सी पर, जस्ट अपोजिट बन जाएगा यहाँ पर, तो ये वस्तु के बराबर ही बनेगा। और चौथी वाली कंडीशन में क्या होगा? चौथी वाली कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रख रहे हैं, यहाँ पर कहीं पे वस्तु रख दी मान लीजिए, तो प्रतिबिंब कहाँ चला जाएगा? प्रतिबिंब भी यहाँ चला जाएगा, सी और अनंत के बीच में हो जाएगा, तो यहाँ कहीं होगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। पांचवी कंडीशन है अगर हम वस्तु को और पास में ले आए, हम मान लीजिए फोकस पे रख दें, वस्तु को मान लीजिए यहाँ पे रख दिया फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पे। कहाँ बनेगा? अनंत पे, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है, उल्टा भी होगा और वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और मान लीजिए वस्तु को और पास ले आते हैं, वस्तु को हम ले आए कहाँ पे? फोकस और ध्रुव के बीच में, ये पोल है ध्रुव पी, यहाँ ले आए यहाँ रख देते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, इस साइड बनेगा पीछे, ठीक है, पीछे बनेगा और आभासी होगा ये। पीछे जितने भी बनते हैं दर्पण के वो सब आभासी होंगे, और सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा होगा, ठीक है। इसकी छह कंडीशन समझ में आ गई आपको? ठीक है, ये आपको याद रखना है, एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होगा, आकृति कैसी होगी? उल्टा होगा। प्रतिबिंब का विस्तार बिंदु सदृश बनेगा, बिंदु के आकार का। और दूसरा, अगर वस्तु की स्थिति अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर और वक्रता केंद्र के बीच। वास्तविक होगा पर प्रतिबिंब उल्टा होगा और वस्तु से छोटा होगा। तीसरा है, वक्रता केंद्र सी पर रख दी, वस्तु को रख दिया जाए तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। वस्तु को और पास में लाए, वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में रख दिया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर और सी वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा और वस्तु से बड़ा। और नेक्स्ट, अगर वस्तु को फोकस पर रख दें तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ये पहला वाला जो है ना था ना, उसका जो पांचवा वाला अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा होगा। और नेक्स्ट है, फोकस के और ध्रुव सी के बीच में रख दिया जाए वस्तु को, तो ये कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे चला जाएगा, प्रतिबिंब बनेगा और पीछे जितने भी बने आभासी बनेगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। क्लियर? ठीक है,
अगला हमारा इसमें रहेगा टॉपिक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। तो अभी मैंने देखा था, अभी अपन ने देखे थे प्रतिबिंब के प्रकार, तो जो आभासी प्रतिबिंब बन रहे थे वो सब उत्तल दर्पण से बनते हैं क्योंकि ये दर्पण के पीछे बनते हैं, ठीक है, और सीधा बनेगा ये, वस्तु से छोटा बनेगा कुछ इस तरीके से। 1 मिनट, कुछ ऐसा बनेगा। तो यहाँ पर ये, यहाँ पर बनेगा ये, ठीक है, वस्तु से छोटा। ठीक, इसमें लिखा क्या है? वही लिखा है, उत्तल दर्पण के सामने किसी भी स्थान पर वस्तु को रख दें तो प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। तो कहीं पे भी रख देंगे वस्तु तो प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे, आभासी होगा और हमेशा सीधा और वस्तु से छोटा ही बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा ये कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ फॉर्मूलेज और रह गए हैं इसके गोलीय दर्पण से रिलेटेड। तो गोलीय दर्पण की पहले फोकस दूरी का एक फॉर्मूला है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या अपॉन 2। तो ये क्या है, इसको हम एफ से डिनोट कर सकते हैं, फोकस दूरी को स्मॉल एफ से। तो स्मॉल एफ गोलीय दर्पण की फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर से शो कर रहे हैं अपॉन 2, मतलब कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, ठीक है। या इसको हम अगर इसमें वक्रता त्रिज्या निकालें आर को तो ये 3 गुना हो जाएगा, तो आर इक्वल कितना आ जाएगा? 2f हो जाएगा, ये 2 × f, मतलब कि वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? फोकस दूरी की 2 गुना होती है। क्लियर? चलिए आगे, आगे इससे पहले कि एक मैं चिन्ह परिपाटी होती है उसको समझा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, इसका आगे रोल रहेगा चिन्ह परिपाटी। तो इसमें हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये मान लो अवतल दर्पण है, ये मान लो अवतल दर्पण है, ये मुख्य अक्ष है। तो ध्यान रखना, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है, अगर प्रतिबिंब ऊपर बन रहा है मुख्य अक्ष के तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा, प्लस होगा, धनात्मक होगा, और नीचे बन रहा है तो वो हमेशा नेगेटिव होगा या ऋणात्मक होगा। और इसी प्रकार अगर वो अवतल पर बन रहा है, ये अवतल और ये उत्तल, तो अवतल पर बन रहा है तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है, वो ये है कि अगर ये राइट हैंड साइड बन रहा है दर्पण के राइट हैंड साइड, तो ये प्लस पॉजिटिव रहेगा, और दर्पण के लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड ये बनेगा नेगेटिव। कैसा बनेगा? नेगेटिव, ये आपको याद रखना है। और उसी प्रकार इसमें भी आपको याद रखना है, उत्तल में अगर वो लेफ्ट हैंड साइड बन रहा है तो नेगेटिव बनेगा, दोनों में सेम ही रहेगा, और राइट हैंड साइड बन रहा है तो पॉजिटिव बनेगा, ये आगे काम आएगा। समझ में आ गया ये? ऊपर बनेगा तो कैसा बनेगा? मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो पॉजिटिव, और नीचे बनेगा तो ऋणात्मक होगा, और लेफ्ट हैंड साइड बनेगा दोनों में तो नेगेटिव होगा, और राइट हैंड साइड बनेगा तो दोनों में पॉजिटिव
पॉजिटिव हुआ, ठीक है। अब आपको पता है अच्छे से, अवतल दर्पण में किस ओर बनेगा? अवतल दर्पण में दर्पण के आगे ही बनता है ना, तो इसी साइड बनेगा, इस साइड बन रहा था, तो इसीलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, नेगेटिव होगी। कैसी होगी? नेगेटिव। और उत्तल में किस साइड बन रहा था? उत्तल में इस साइड बन रहा था, इस साइड, तो इसलिए अब उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या लेंगे हम? धनात्मक होगी। कैसी होगी? धनात्मक होती है, ठीक है। दोनों चीज क्लियर है? चलिए, तो यही लिखा है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, और वस्तु की दर्पण से दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। तो हमको वस्तु से, वस्तु की दर्पण में जो दूरी होगी वो भी हमेशा ऋणात्मक लेनी है, ठीक है। चलिए, कुछ फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र है, मिरर फॉर्मूला, इसको आपको याद रखना है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, 1/f = 1/v प्लस 1/u, ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ पर f का क्या मतलब है? दर्पण की फोकस दूरी। स्मॉल v का क्या मतलब? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। और u का क्या मतलब? वस्तु की दर्पण से दूरी। और उसी प्रकार ये अगला देख लेते हैं, आगे है आवर्धन क्षमता, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? ये होता है m बराबर प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु का आकार। तो ये भी आपको याद रखना है। तो प्रतिबिंब के आकार को हम आई बोल सकते, आई बोलते हैं, ठीक है। और अपॉन वस्तु के आकार को हम ओ से डिनोट करते हैं, कैसे? ओ से। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला एम बराबर क्या हो जाता है? आई अपॉन ओ, क्या हो जाता है? आई अपॉन ओ, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, गोलीय दर्पण के लिए, माइनस वी अपॉन यू। तो इसका एक और फॉर्मूला है, आपको ये भी याद रखना है। इसको हम ये और लिख सकते हैं, माइनस वी, एक मिनट, एम बराबर माइनस वी अपॉन यू, ये भी हो जाएगा इसका आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला, ये भी आपको याद रखना है। जिस प्रकार का क्वेश्चन आएगा उसी हिसाब से हमको फॉर्मूला लगाना है। तो आगे हम एक न्यूमेरिकल भी कर लेते हैं इससे रिलेटेड। तो इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, क्या बोल रहा है? किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है, दर्पण की त्रिज्या, सॉरी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 36 सेंटीमीटर है। यदि वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा व प्रतिबिंब की स्थिति अर्थात दूरी क्या होगी? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता ही है। अब सबसे पहले क्या एफ और आर का रिलेशन आपको पता ही है, क्या होता है? एफ बराबर आपको पता है ना कितना होता है? R/2। अरे भाई, उसने दिया है ना वक्रता त्रिज्या, ये दी है ना, आर दिया है। तो आर की वैल्यू रख के आप एफ निकाल लोगे, स्मॉल एफ फोकस दूरी, कितना आ जाएगा? एफ एफ बराबर हो जाएगा 36/2। तो इसको कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? है 18 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फोकस दूरी कितनी आ गई? 18 सेंटीमीटर। अपने को निकालना क्या? प्रतिबिंब की स्थिति पूछी है। अब प्रतिबिंब की स्थिति बोले तो
आई निकालना है, क्या निकालना है? आई, देखिए पहले तो आपको क्या करना है, इसको करने का तरीका ये है, जो जो दिया है ना वो लिख लो, ठीक है? तो आपको क्या दिया है, कैपिटल आर कितना दिया है, 36 दिया है, ठीक है? और क्या दिया है? और यू दिया है, वस्तु की दूरी दी है, वस्तु, अब दर्पण से वस्तु की दूरी दी है, तो ये भी लिख लो आप। तो यू कितना दिया है, 27 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, और कुछ दिया है? हाँ, वस्तु की ऊंचाई मतलब प्रतिबिंब का आकार दिया है। हाँ? नहीं, वस्तु की ऊंचाई दी है ना, वस्तु का आकार दिया है, ये वाला वस्तु का आकार मतलब वो दिया है, वो कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो इसको आप सॉल्व करने का क्या तरीका है, अब निकालना क्या पूछा, क्या प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब का आकार पूछा है, प्रतिबिंब का आकार मतलब देखो दो चीजें पूछी हुई, एक तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कैसा होगा, और प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, मतलब आई पूछा है, क्या पूछा है, आई निकालना है। तो इस फॉर्मूले में हम आई का फॉर्मूला लगाएंगे सबसे पहले, तो आई का फॉर्मूला क्या होता है, अब आई का फॉर्मूला तो ये होता है, अभी हमने देखा था ये लिखा है, ठीक है? तो अभी हमको यू चाहिए है, भी चाहिए है ही नहीं दोनों, यू तो है हमारे पास, भी नहीं है, यू तो क्वेश्चन में दिया है, ठीक है? और यू निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफ चाहिए, स्मॉल एफ, फोकस दूरी, वो भी नहीं दी है, तो उसके लिए वक्रता त्रिज्या दी है, इससे हम स्मॉल एफ निकाल लेंगे। एफ बराबर हम लगा देंगे फॉर्मूला, कौन सा लगा देंगे, आर, कैपिटल आर अपॉन टू। तो ये कैपिटल आर कितना है, 36 डिवाइड किया 2 से कितना आ जाएगा, 18 सेंटीमीटर आ जाएगी फोकस दूरी, कितनी आ जाएगी, 18, ठीक है? अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें जी अभी फॉर्मूला था ना ऊपर दर्पण सूत्र वाला, ये लगा देंगे, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम भी निकाल लेंगे, तो ये लगा देंगे हम 1 अपॉन एफ बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। देखिए 1 बटे माइनस, अब देखो फोकस दूरी अवतल दर्पण है तो माइनस में लेंगे, ठीक है? हाँ, बराबर 1 बटा v प्लस 1 बटा u। u कितना दिया है, 27, तो वस्तु की दूरी भी दर्पण से हम माइनस लेते हैं, हमने पहले बता दिया, तो इसको भी माइनस लेंगे, ठीक है? जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे क्या करेंगे हम, ये संख्या संख्या को इसको इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 1 बटा माइनस, 1 मिनट, कितना हो जाएगा, ये तो था ही हमारा 1 बटा माइनस 18, तो इसको भी इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1 बटा 27 हो जाएगा, ये बराबर क्या बचेगा, 1 बटा v। जब इसका हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा कितना, 54 आएगा, 54, और ऊपर कितना आ जाएगा, -3 +2, ठीक है? यही आ जाएगा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो -3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है? हाँ, तो फाइनल आ जाएगा -1/54 बराबर 1/v। तो इसको जब हम पलट देंगे तो v बराबर कितना निकल के आ जाएगा, -54, कितना आ जाएगा, तो v की वैल्यू निकल आई। अब हमारे पास v भी है, u भी है, और o भी है, तो i हम निकाल सकते हैं आराम से, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, i/o बराबर -v/u। आई निकालना है तो ओ की वैल्यू कितनी है, ओ दिया है 2 दिया है, अरे वस्तु की ऊंचाई 2 है, माइनस भी कितना आया था, तो माइनस तो ये रहेगा ही, -54 आया था, अपॉन यू की वैल्यू -27,
है, ये माइनस, ये माइनस कट जाएगा, 27 दूनी 54, 2 बार कट जाएगा, और ये माइनस तो बचा ही है अभी, ठीक है, ये तो कितना, और ये कितना हो जाएगा ये, ये बचेगा हमारे पास आई बटे 2 बराबर -2 है। तो ये तेरे गुणा हो जाएगा, तो आ फाइनल आ जाएगा i = -4, कितना आ जाएगा, -4, मतलब कि ये निकल के आ जाएगा क्या, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। अब माइनस में आया है तो प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, माइनस है तो नीचे बन रहा होगा मुख्य अक्ष के, है ना, नीचे ही आती है ना माइनस, ऊपर तो प्लस ले प्लस आता है, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा होगा, बस मुख्य अक्ष के नीचे, तो ध्यान रखना हमेशा इसका जो निष्कर्ष निकल के आएगा वो क्या आएगा, इसको ठीक कर लेना, इसमें करेक्शन है, -4 कर लेना, ये फाइनल आंसर इसका -4 आएगा, ठीक है। तो इसमें दो निष्कर्ष इसमें लिखे हैं, दो फैक्ट हैं, वास्तविक तो प्रतिबिंबों के लिए जो आवर्धन होगा, वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है, ध्यान रखना, और आभासी प्रतिबिंबों के लिए आवर्धन हमेशा धनात्मक होता है, तो प्रतिबिंब हमेशा ऋणात्मक आया है तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन हमेशा ऋणात्मक होता है, ठीक है, और आभासी के लिए कैसा होगा, धनात्मक होगा, ठीक। अब कुछ उपयोग लिखे हैं, दैनिक जीवन में दर्पण के उपयोग हैं, ये आप लोग देख लेना, ठीक है, क्या उपयोग हैं आपको पता ही है, अवतल दर्पण के क्या उपयोग हैं, अवतल दर्पण के उपयोग हजामत की दुकान पे करते हैं, अवतल दर्पण का, टॉर्च में, सर्च लाइट, लाइट वाहनों के जो लैंप होते हैं उसमें करते हैं, और उत्तल दर्पण के उपयोग हैं, ये किसमें करते हैं, वाहनों के साइड ग्लास में होता है, पीछे का ट्रैफिक देखने के लिए लगा होता है उसको उत्तल दर्पण होता है, उसमें चौराहे पर लगी बत्तियों में परावर्तक सतह के रूप में इसका उपयोग होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण कैसा होता है, अपसारी होता है, कैसा होता है उत्तल दर्पण, अपसारी, आप सारी समझते हो, किरणों को फैला देता है। वेरी गुड, तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक था, प्रकाश का जो परावर्तन था वो कंप्लीट हो गया, और ये मिरर वाला जो तो था दर्पण, ये भी कंप्लीट हो गया, बाकी हम कल देखेंगे, ठीक है।